तो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर प्लैनेट में। दोस्तों, आज के जुड़े आपको बताने वाला हूँ कि यार पेड फॉर आर्टिकल नाम की जो वेबसाइट है वो रियली की फेक है। यहाँ से क्या आपको सच में पेड किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, यहाँ पे आपको पैसे दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते, जिसका पेमेंट प्रूफ हो रियली की फेक है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना, चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, दबा दो इसकी बेल आइकन, जिससे आपको मोस्ट लेटेस्ट अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यार यहाँ पे क्लिक टू चेक और मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें बता रहा है यहाँ पे। पेड फॉर आर्टिकल यानी कि आपको कोई आर्टिकल दिए जाते हैं और आर्टिकल लिखने के बाद आपको अच्छा खासा पे आउट भी दिया जाता है। सो दोस्तों, ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, सो दोस्तों उसको आज की जानकारी हम जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यार इस वेबसाइट को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है वो जेन्युइन तो लग रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल दिखाई देंगे जिसमें गेम्स हो गए, या फिर टकाटक यानी कि माई ड्रीम इलेवन हो गया, या फिर से कई सारे अच्छे आर्टिकल भी हैं और थोड़े से अलग आर्टिकल भी हैं। लेकिन दोस्तों यार यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक कैटेगरी नहीं, यहाँ पे लगभग कई सारी कैटेगरीज दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़, बिजनेस, गेम्स, स्पोर्ट, लाइट एंड हेल्थ एंड टेक एंड बहुत सारे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो इसको जेन्युइन पे आउट और पेमेंट प्रूफ दिखा रहा था वो आगे रहे क्या। सो पहले ये देख लेते, राइट एंड गेट पेड यानी कि यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो सिंपली दोस्तों आपको ये पे करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ता है, इसके लिए आपका अकाउंट क्रिएट होगा और फिर जो आर्टिकल लिखोगे वो मतलब पॉलिसी के थ्रू वो जेन्युइन होने चाहिए, मतलब 100% आर्टिकल जेन्युइन होगा तभी आपको पेमेंट देगा। लेकिन यहाँ पे आप पेमेंट मेथड पेपल, क्रिल, पेटीएम और फ़ोनपे और भी हैं एक आध दो। और लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे पे आउट देख सकते हो, कई सारे लोग इन्होंने पे आउट किए, कई सारी कंट्रीज़ को पे आउट किए हैं जिन्होंने ये वर्क किया है पेड फॉर आर्टिकल पे। सो दोस्तों ये बिल्कुल जेन्युइन तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मैंने इस पर क्लिक करके भी देखा, मुझे इसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिली, कोई रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिली। और बात करें वेबसाइट के ऑनर की, दोस्तों जो उसके वेबसाइट का ऑनर है इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, ना ही फ़ोन नंबर इसमें दिया हुआ है। सो केवल एक ईमेल दिया हुआ है जिसमें केवल आप ईमेल कर सकते हैं, और यदि हमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए रही तो दोस्तों हम ईमेल का इंतजार थोड़ी ना करेंगे, एक बार फ़ोन करके ही देखेंगे कि सो दोस्तों, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए कि ईमेल का रिप्लाई कब तक आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। सो पेड फॉर आर्टिकल जो वेबसाइट है दोस्तों, मैं इसका पूरी तरीके से ये नहीं कह सकता कि फेक है, लेकिन दोस्तों ये भी नहीं कह सकता कि रियल है। सो दोस्तों अनसेफली कह सकता हूँ, क्योंकि इस तरह की वेबसाइट जो होती है कई लोग को चूना लगाती हैं और पेड फॉर आर्टिकल के नाम पे उनसे आर्टिकल तो लिखवा लेती है लेकिन पे आउट नहीं करती हैं। सो जैसे उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो लॉगिन करी थी वो चली जाती है। सो दोस्तों ऐसा आपके साथ यदि हुआ है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमने इस पर एक आर्टिकल लिखा हो, आप वो जाके पढ़ सकते हो। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना।